मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन शर्मा, आई एम पीजीटी फिजिक्स इन अमरनाथ विद्या आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा। आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर प्रिंसिपल सर टू कंटिन्यू स्टडीज इन दैट क्रिटिकल कंडीशन ऑफ कोविड-19। बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑनलाइन फिजिक्स क्लास फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, व्हाट वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एट एनी चार्ज द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू अदर चार्जेस। ओके, so we move on the next topic, that is electric field lines. Electric field lines are representation of our electric field. मतलब अगर हमें electric field को represent करना है तो हमें किन lines की जरूरत पड़ेगी, वो electric field lines की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें definition देनी है तो क्या देंगे, electric field lines is an imaginary straight or curved path in which a unit positive test charge tends to move in an electric field. Okay students, then we move on our next topic, that is representation of electric field lines. Electric field lines different case में different होती हैं, तो ऐसे कौन कौन से cases हैं और उनके लिए electric field lines क्या होती हैं वो हम देखते हैं। So we move on the next topic, representation of electric field lines. In first case, for value of Q, value of charge is greater than 0, then that is plus Q. अगर हम यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो मूव किस तरफ करेगा, बाहर या अंदर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, ओके, स्टार्ट फ्रॉम प्लस टू एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी। टर्मिनेट कहां पर हो रही है, इंफिनिटी पर हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, प्लस टू से स्टार्ट हो रही है। तो इट मींस जब भी आपको प्लस चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इट मींस उसके लिए लाइंस कैसी बनानी है आपको, रेडियली आउटवर्ड बनानी। ठीक है, सेकंड, फॉर चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज इज स्मॉलर देन 0, इट मींस द चार्ज इज नेगेटिव। इफ वी पुट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देन इट फील्स ए फोर्स टुवर्ड्स माइनस क्यू, it is radially inward or outward, it is radially inward, it is radially inward. Okay students, तो यहां पर आपको दो बातें पता चली। फर्स्ट बात आपको पता चली कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं। इन थर्ड केस, इफ बोथ द चार्ज आर सेम और अनलाइक, वी टेक अनलाइक चार्जेस इफ both charges are unlike, both charges are unlike, one is plus q, another one is minus q. Okay, the direction of electric field lines is radially outward from the plus q side and direction of electric field minus q in the minus q side रेडियली इनवर्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई और इसने अपनी तरफ इसको अटैक कर लिया। ओके,
स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर दोनों चार्ज में एक हमारे पास प्लस क्यू है दूसरा हमारे पास माइनस क्यू है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इस तरीके की होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी जस्ट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की। जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगी। तो अगर हम नेक्स्ट केस पर जाते हैं, ये केस कब था, जब दोनों चार्जेस कैसे थे, अनलाइक थे। फोर्थ केस वो था लाइक चार्ज, वो था लाइक चार्जेस। ओके, इन फर्स्ट केस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, दोनों ही हमारे चार्ज कैसे हैं, सेम, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहां पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, प्लस क्यू वन दैट इज प्लस क्यू टू, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, जस्ट एक दूसरे को ये रिपेल करके चली जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू टेक दिस पॉइंट एज अ पी and this point is in between the Q1 and Q2. The value of electric field intensity is zero at point P. This is the point P and the value of electric field intensity is G. Okay? So we move on to the next case. B part. In this B part, if the magnitude of Q1 is greater than the magnitude of Q2, both are positive charges, one is plus Q1, one is plus Q2, and the P point is shift towards the Q2 charge where the value of electric field is less than the electric field lines, this is the case when both charges are same, both are similar charges, but the magnitude of Q1 is greater than Q. In last fifth uniform electric field. Okay? The distance between all the lines are same. So we can say that the magnitude of electric field in all the parts are same. Okay? This is the representation for uniform electric field. So now we move on the property of electric field lines. Properties of electric field lines. Properties of electric field lines. First property, electric field lines always start from positive charge and terminate at negative charge. It always starts from positive charge and
टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस। थर्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन ऐसे, ठीक। तो मेरे पास ये दो फील्ड लाइन्स हैं और इनके पास में किसी भी पॉइंट पर मुझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो मुझे उसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट डाल के ही मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर टेंजेंट डाला तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, यहां पर डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो क्या लिखेंगे हम, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी मूव करते हैं, आप लिख लीजिए फोर्थ प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। Whereas in weak electric field, electric field lines are far, बहुत दूर होती है, ठीक। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, the tangent on the electric field lines gives direction of electric field. ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर क्या डालना पड़ेगा, टेंजेंट डालना पड़ेगा। ओके, सिक्स्थ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर normal to the surface of any conductor, students, it means अगर आपके पास में एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आप जानते हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है।
अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना है, जीरो। जो भी हम चार्ज होगा वो कहाँ होगा, उसके सरफेस पर होगा, तो सरफेस पर चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस सरफेस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर कहाँ आ गया, ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर की जस्ट क्या होती है, नॉर्मल होती है। अगर पॉजिटिव है तो कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहां पर सिक्स प्रॉपर्टी हो गई। सेवेंथ प्रॉपर्टी में क्या है, जो हम स्टडी कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सारी लाइन्स क्या होती है, इक्विडिस्टेंस होती है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन्स, ये आपके पास सेवेंथ प्रॉपर्टी है। तो आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। थैंक यू।